आता हे झाड उपडून काढू का मी मरू फाशी घेऊन मला असं वाटायला लागलं. सरकार थोडं तर काय घेतय ना आमच्या जिम्मेदारीवर. नमस्कार साहेब, आपण कुंभारीचे मूळ शेतकरी यतना रोडचे बोलत आहोत साहेब. दोघं भावाचं 12 शिक्षण झालेलं आहे साहेब. नोकरी भेटला नाही म्हणून 2.5 लाख रुपये बचत कडला बसून तुम्हाला सांगतो कर्ज काढलेलं आहे साहेब. उसाचं लावण केलं आता महिना झाला तुम्हाला सांगतो. 15 दिवस झालं लाईट कट करून गेले साहेब. ह्याला उसाला तुम्हाला सांगतो 3 दिवसाला एकदा पाणी द्यावं लागतं साहेब. तर 15 दिवस 18 दिवस झालं साहेब, अजिबात तुम्हाला सांगतो लाईट नाहीये आणि पाणी नाहीये साहेब. आता लाईट नाही म्हटल्यावर तुम्हाला सांगतो बघा ऊस कसं वाळायला साहेब. भाऊ मरतो म्हणा लागला साहेब, रात्रंदिवस जेवीना साहेब. भाऊ अजिबात तुम्हाला सांगतो रात्री 2 तास लाईट देते साहेब. तिकडनं येऊन इकडे चालू करावं म्हटलं तर 3 चेरी तुम्हाला सांगतो पाणी पितं, बाकी सगळं आबका वाळत चालला साहेब. 2 तास पाणीमध्ये तुम्हाला सांगतो लाईटमध्ये किती पाणी द्यावं आम्ही किती जतन करावं हे आम्हाला सांगा. शक्यतो लवकर तुम्हाला सांगतो लाईट कनेक्शन द्यावं, लाईट लवकर द्यावं. आमचं आम्हाला तुम्हाला सांगतो जे असेल आम्ही पोटाला लावलेलं ते आमचं आम्हाला फळ भेटावं साहेब. सरकारने जो है साफ कह दिया है की जितनी भी थकबाकी उनकी रह जाती है उनको पूरा करने के बाद ही लाइट बिलों को जोड़ा जाता है. जहां तक बात है किसानों का ये कहना है कि जहां पर एक डिपो लगाया जाता है उन डिपोओं में 10 या 7 किसानों को एक साथ जोड़ा जाता है. वहां पर चंद किसान, 1 या 2 किसान भरने के लिए तैयार हैं लेकिन बाकी के किसान भरने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते उन 2 किसानों का भी जो है यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है. आइए हम उन्हीं किसानों से ये बात जानेंगे कि किस तरह से जो है उनको सरकार की तरफ से जो भी दिक्कतें पेश आ रही है और साथ ही साथ लाइट कनेक्शन काटने की वजह से खेतों में कितना उनका नुकसान हो रहा है ये भी उनसे हम जानेंगे. सबसे पहले आपका नाम बताइए. बाबू हसन दादा. क्या मसला है आपको जो है लाइट जो टूट गई है, जो लाइट का कनेक्शन टूट गया है, क्या वजह है? 10-12 दिन में आप लोगों को लाइट ही नहीं है. वो बाजू में बॉडी मारे तार टूटा, 2 बार कंप्लेंट दिया है उसको, फिर भी वो दिक्कत नहीं करे उसकी. तुम लाइट ऑफिस में जाकर ये बात बताया? वो वायरमैन आता है अपने एरिया का, ये वो वायरमैन को बताया गया है. फिर भी अभी तक नहीं जोड़े? अभी तक जोड़े नहीं. और 2 तास लाइट छोड़े बोलते उन लोग. तार टूटा है तो 2 तास क्या 10 मिनट भी नहीं आएगी. जहाँ तक बात है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 4 या 5 किसान भरने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हीं के डिपो में 5-6 किसानों भरने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते उन 5ों किसानों को नुकसान हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है. अभी फिलहाल कैसा है, 15 दिन हुआ लाइट नहीं है खेत में. जो पैसे भरता हो उसका तो फिलहाल चालू करना, अभी जो पैसे नहीं भरता उन्हें रात को चोरी चुपा से चालू जर करे तो हम उनका क्या नहीं ले सकते. अभी देखो 15 दिन हुआ वायर टूटे से, 100 बार तुमको बोलते ये चक्कर मारे तो भी तुमको बोलते कौन नहीं देख रहे उसको. अभी और ऊपर बोलते हैं लाइट बिल भरो, अभी ये तो तुमको बोलते खेत में कुछ भी 100 लाख रुपए का तुम बोलते 10 रुपए का भी तुमको तो उत्पन्न नहीं है, कहाँ से इनको पैसे भरने का. सर जबकि सरकार ने साफ कह दिया है कि जितनी आपकी थक बाकी है उनमें से जो है आप थोड़ा थोड़ी रकम तो एक डेपो को 10-10 जन है, उसमें से 5 जन भरने वाले हैं, 5 जन नहीं भरने वाले. अभी कैसा करने का, रात को 1 बजे 12 बजे लाइट देते, 1 बजे निकलते, उसमें भी वायर टूटा रहता, रात बजे कैसा आके पानी देने का. अभी फिलहाल आपके खेत में कौन सी फसलें हैं? अभी है गन्ना है, ज्वारी है, गेहूँ है, सो अभी एक लास्ट पानी दे तो आने को मुंह का ऐसा घास भी खींच लेके जाता हूँ ऐसा है. यानी कि अभी ये 2 घंटे जो पानी छोड़ा जा रहा है ये आपके लिए काफी नहीं है? क्या अभी काफी नहीं है, रात को बजे 12 बजे देते, 12 बजे साफ रहते, कैसा ना खेत में तुमको बोलते 12 से 1 बजे तक लाइट रहते, गाँव में से तुम बोलते खेत को आना बोले तो लाइट आ जाते. सोलापुर जो प्रशासन है जहाँ पर जो लाइट कनेक्शन जिनके अंडर में आता है उन लोगों को आप जो है सारे किसान मिलकर निवेदन दे ताकि जो ये मसला सॉल्व हो सके. किसके बोलकर निवेदन देने का, भी एक ना आता जाता, हाँ मैं करूँ जाता उधर आ जाता उन्हें. यानी कि लगभग आपने पूरी कोशिश की लेकिन कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई. 5 बार उनको यहाँ ला के बुला के दिखा के छोड़े सो है आता, हाँ सांगितलो में झाला. तो ये है हमारे किसान जिनको जो है काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों ने अक्सर ये कह दिया है, ये चंद किसान अपनी जो भी थक बाकी है वो भरने के लिए तैयार हैं लेकिन जो एक डिपो में 7 या 8 किसान होते हैं वो किसान भरने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण इन्हें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. और आने वाली जो भी फसलें यहाँ पर हैं उन फसलों का नुकसान पानी ना देने से हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन, सरकार या फिर ये लोग? 15 दिवस झालं पाणी नाही या झाडाला. आता झाड तुम्हाला सांगतो कसं वाळा लागलंय बघा. 2.5 लाख रुपये खर्च केलो ह्याला, 60 रुपये कॅरेट टमाटर चाललाय. शेतकरी असावा का मरावा, रात्री 2 ला 12 ला 1 ला लाईट देते, मोठे मोठे साप येते, केव्हा रात्री येऊन मोटर चालू करायचं? यांनी सरकार म्हणते ते वरती 8,000-10,000 बिल भरा म्हणून कुठलं भरायचं? आता झाड बघा 2 लाख रुपये शेकडा 10 रुपये टक्क्यावर नाही काढून तुम्हाला सांगतो लावण केलो काय तर तुम्हाला सांगतो उन्हाळ्यात थोडंफार हात दिल. झाड बघा तुम्हाला सांगतो किती 15 दिवस झाला, आत्याला तुम्हाला सांगतो लाईट नाहीये. सरकार से तुमको क्या अपेक्षा आहे?
सरकारचं काय पहिल्याच पासून कसं चाललंय तसं तुम्हाला सांगतो, लेट दिला तर आम्हाला येतच नाही ना। जे राहिलेले थकबाकी आहे तुम्ही किती दिवसात भरणार? म्हणतो की आम्ही आबा एका डेपोला 10 जण म्हटल्यावर तुम्हाला सांगतो 5 जण भरते ते 5 जण ना भरत नाही ते 5 जणांचं कोण रिस्क घेणार ते? आता माझं तुम्हाला सांगतो आता 2.5 लाख रुपये गुंतवणूक केलोय तर 60 रुपये किलो 10-15 किलोचं कॅरेट 60 रुपयाला गुत्ता चाललाय मला काय परवडे ना तुम्हाला सांगतो। आता हे झाड उपडून काढू का मी मरू फाशी घेऊन मला असं वाटायला लागलं। सरकार थोड़ा तर काय घेते ना आमच्या उमेदवारांना। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।